मद्रास की पीठ थपथपाई, अजीत अगरकर को खरी खोटी सुनाई। टेस्ट सीरीज जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा का आया चौंका देने वाला बयान। विराट कोहली से लेकर ईशान की जमकर की तारीफ, लेकिन इस बात पर रहे नाराज। सीरीज शुरू होने से पहले भी उठा चुके हैं सवाल, सेलेक्टर्स को लेकर काट दिया बड़ा बवाल। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली है। हालांकि इसी जीत के बाद भी टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में खिसक कर दूसरे पायदान पर हो गई है। इसकी वजह ये है कि भारत को दूसरा टेस्ट ड्रॉ खेलना पड़ा है। हालांकि भारत की ओर से जीत के लिए पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन बारिश ने कप्तान रोहित शर्मा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद भी कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह खुश नजर आए। उन्होंने मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की, लेकिन इस बीच उन्होंने सेलेक्टर्स को खूब खरी खोटी सुनाई। हम आपको अगले 3 मिनट में बताएंगे कि आखिर क्यों रोहित शर्मा ने चीफ सेलेक्टर्स को निशाना बनाया है। भारत के 5वें और आखिरी दिन जीत के लिए 8 विकेट की दरकार थी, लेकिन बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शुरुआती कुछ घंटों तक बारिश और धूप की लुका छिपी चलती रही और फिर आखिरी दिन के खेल को रद्द करने का फैसला लेना पड़ा और मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। भारत भले ही वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप नहीं कर पाया हो, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। गेंदबाजी बल्लेबाजी के अलावा फील्डिंग भी भारत ने अच्छी की। मैच के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सीरीज जीत को लेकर कहा कि हर जीत अलग होती है, वेस्टइंडीज या भारत में खेलने की अपनी चुनौती होती है। मैं बहुत खुश हूं कि यहां चीजें जैसी हुई, दुर्भाग्य से हमें आखिरी दिन खेलने का मौका नहीं मिला। हम वास्तव में कल सकारात्मक इरादे के साथ उतरे थे और नतीजा चाहते थे। हम काफी आश्वस्त थे, जानते थे कि इस विकेट पर आखिर में बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल है। हम हमेशा उस तरह का स्कोर चाहते थे जहां टीमें जीत की कोशिश करें। रोहित ने आगे कहा कि पिच में ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ गेंद रफ पैच पर गिरकर टर्न हो रही थी, इससे ज्यादा कुछ विकेट में नहीं था। भारतीय कप्तान ने मोहम्मद सिराज की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में सिराज ने अपने करियर में एक बड़ा कदम उठाया है और बुमराह शमी की गैर हाजिरी में भारतीय पेस अटैक की शानदार तरीके से अगुवाई की है। लेकिन आप एक या दो व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि कोई पहला अवसर नहीं है कि कप्तान रोहित शर्मा ने टीम सेलेक्टर्स को लेकर सवाल उठाए हैं, बल्कि वेस्टइंडीज सीरीज शुरू होने से पहले भी तेज गेंदबाज को लेकर सेलेक्टर्स कमेटी पर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज सीरीज में जानबूझकर मोहम्मद शमी को आराम दे दिया गया, जबकि मुकेश कुमार और जयदेव उनादकट को टीम में बतौर पेसर जगह दी गई। इसको लेकर कप्तान रोहित शर्मा खुश नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि इस टेस्ट सीरीज में हर खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। दूसरे टेस्ट में जब हमें तेजी से रन बनाने की जरूरत थी तो हमने ईशान को प्रमोट किया और उन्होंने तेजी से रन बनाए। विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी की, यानी युवा और अनुभवी दोनों खिलाड़ियों ने अपना रोल बखूबी निभाया और उसी के मुताबिक बैटिंग की। हम खेल के तीनों डिपार्टमेंट में और बेहतर होना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप हमें बताइएगा कि क्या हम परफेक्ट टीम इंडिया को कैरी कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा।